महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोड़ाराम होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस ने सिंबल देकर भेजा। रामेश्वर डूडी का दबाव काम कर गया। गोविंद मेघवाल और प्रवेशक सुभाष महरिया के बीच में तकरार महसूस की गई, लेकिन अब नाम फाइनल हो चुका है और जिस नाम पर मोहर लगी है वो है मोड़ाराम। मोड़ाराम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने सिंबल भी उनको दे दिया है नामांकन करने के लिए। रामेश्वर डूडी का दबाव यहां काम कर गया, या कहें कि रामेश्वर डूडी मोड़ाराम के पक्ष में माहौल बनाने और उनको सिंबल दिलाने में कामयाब रहे। गोविंद मेघवाल और प्रवेशक सुभाष महरिया के बीच तकरार भी महसूस हुई है, लेकिन तकरार से इतर जब पार्टी का सिंबल किसी को मिल जाता है तो फिर वो पार्टी का प्रत्याशी बन जाता है। और ऐसे में अगर बात प्रत्याशी की जाए, बीकानेर से की जाए, तो फिर मोड़ाराम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। रामेश्वर डूडी का दबाव इस दौरान काम कर गया है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार नामों पर मंथन चल रहा था, और नामों पर मंथन चलने के दौरान ये भी हम आपको बता रहे थे कि रामेश्वर डूडी लगातार एक नाम को लेकर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और वो नाम था मोड़ाराम का। मोड़ाराम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस ने सिंबल देकर उनको भेजा है। रामेश्वर डूडी का दबाव इस दौरान काम कर गया है। गोविंद मेघवाल और प्रवेशक सुभाष महरिया के बीच तकरार भी महसूस हुई है। जिला प्रमुख का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि जिला प्रमुख के निर्देशों के मुताबिक पंचायत समितियां काम करती हैं और पंचायत समितियों के हिसाब से गांव में काम होता है। मतलब गांव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वो जिला परिषद, जिला परिषद प्रमुख। और ऐसे में राजनीति किस हद तक दिखाई देती है ये यहां पर दिखाई दिया है, क्योंकि रामेश्वर डूडी का दबाव काम कर गया है। गोविंद मेघवाल और प्रवेशक सुभाष महरिया के बीच तकरार नाम को लेकर, लेकिन प्रत्याशी बना दिया गया है, सिंबल दे दिया गया है। इसका मतलब अब यहां कोई तकरार आप ना समझिए, क्योंकि अब कांग्रेस के सिंबल पर मोड़ाराम कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। आखिरकार कांग्रेस की किचकिच खत्म हुई, रामेश्वर डूडी गुट का दबाव काम आया, मोड़ाराम को जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त वो यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे साहब, क्या कांग्रेस में जो दरार थी वो पट जाएगी क्या? हाँ पट जाएगी सर। क्यों लगता है? ठीक लगता है, पट जाएगी, हमारे पास माध्यम। लेकिन जो कहा जा रहा है गोविंद राम मेघवाल गुट है, दो तो उनके घर में ही वोट है, ये लोग क्या आपके साथ आएंगे? बातचीत हो गई? बातचीत हो गई, हम संभाल जाएंगे। कितना यकीन है कि जीत हो जाएगी? लमसम 80% जीतने का जीत हो जाएगी। तो देखिए 80% इनको खुद को यकीन है कि जीत हो जाएगी, 20% का पेच यहाँ भी है। तो अब ये साफ हो गया है कांग्रेस की तरफ से मोड़ाराम प्रत्याशी होंगे। अब ये समय तय करेगा कि क्या कांग्रेस यहाँ पर बहुमत के बाद भी अपना वोट बना पाएगी, या हमेशा की तरह कांग्रेस की किचकिच परिणाम बदल सकती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इनके पास स्पष्ट बहुमत है, क्योंकि जिस तरह से रामेश्वर डूडी ने कारीगरी की, जिस तरह से बहुत सारे वार्ताओं के दौर चले, पहले अलग अलग नाम आए और उसके बाद ये तय हुआ। सहयोगी संजय पारिक के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। और मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपने वैसे तो अपने वॉक थ्रू में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि बगावत भी देखी हमने यहाँ, अदावत भी देखी हमने यहाँ, और उसके बावजूद रामेश्वर डूडी का दबदबा भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर मोड़ाराम को प्रत्याशी बनाया गया तो चली सिर्फ रामेश्वर डूडी की। देखिए निश्चित तौर पर ये नंबर गेम की बात थी, अलग अलग वार्ताओं के दौर चले थे
और दो नाम आ रहे थे उसमें, एक नाम जो था माड़ाराम पहले दिन से था, दूसरा नाम जो दूसरा गुट है गोविंद मेघवाल, उनकी बेटी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन रामेश्वर डूडी का दबाव काम आया। और देखिए इसमें एक चीज और, मंत्री भंवर सिंह भाटी का समर्थन कहीं ना कहीं डूडी गुट को मिला, मंत्री चुप रहे मौन रहे, और कई बार मौन रहकर समर्थन करना जो है वो बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक जो सुभाष मैरिया है उन्होंने भी इस बात को टटोला और समझा कि यदि टिकट गोविंद मेघवाल गुट को दी जाती है तो स्वाभाविक है बगावत होगी, और जैसा कि कांग्रेस की फजीयत होने की संभावना बन रही थी और राजस्थान के जो परिणाम आए हैं उन पर पहले से ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है ऐसे वक्त में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए समझी इस बात को। क्योंकि रामेश्वर डूडी का देखिए लगभग यहाँ पर दबदबा रहा है, जिला प्रमुख खुद रहे हैं, हमेशा बनाते रहे हैं, उनके गुट से ही बनता रहा है, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी ने ये सिद्ध किया कि ग्रामीण राजनीति में बीकानेर में वो निश्चित तौर पर चुनाव हारने के बावजूद छत्रप बने हुए हैं, और ये एक तरह से अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जिला प्रमुख जिताने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई बात के सुर नजर नहीं आ रही। इसका एक बड़ा और कारण है विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है और गोविंद राम मेघवाल विधायक है, तो आप समझ सकते हैं नेगोशिएशन की बहुत सारी चीजें उनके पास थी, सरकार के पास, शायद यही वजह रही कि फाइनली रामेश्वर डोडी गुट और भंवर सिंह भाटी गुट को जो है एक तरह से टिकट दिया गया, सिंबल दिया गया, और मोड़ाराम जो है वो अब जिला प्रमुख के प्रत्याशी हैं, भाजपा से रजनी चुनाव लड़ी रही हैं, हालांकि भाजपा के पास नंबर गेम बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल राघव, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक राजनीतिक उठापटक के बाद आप कह सकते हैं कि मोड़ाराम कांग्रेस के प्रत्याशी बना दिए गए हैं, उनको सिंबल दे दिया गया।